नमस्कार, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरे गार्डन में जितने सारे ऑर्नामेंट प्लांट है उन सब के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरे पास कौन कौन से ऑर्नामेंट प्लांट है। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं मेरे पास जितने सारे ऑर्नामेंट प्लांट है एक भी प्लांट को मैं खरीदा नहीं हूं, सभी प्लांट को मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूं और सभी प्लांट मेरे छत के ऊपर मतलब रूफटॉप के ऊपर लगा हुआ है फुल सनलाइट पे। तो उन सब पौधे के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ पहचान करवाऊंगा। तो उससे पहले वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हालांकि मेरे पास ज्यादा तो ऑर्नामेंट प्लांट नहीं है क्योंकि मैं ऑर्नामेंट प्लांट की शौकीन नहीं हूँ। मैं वो सब प्लांट ग्रो करना चाहता हूँ जिससे मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट्स मिले, जैसे कि फूल, फल या फिर वेजिटेबल प्लांट्स। तो इन सब प्लांट्स को ही मैं ज्यादा ग्रो करता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरे पास कौन कौन से ऑर्नामेंट प्लांट है। तो जैसे कि पहले इस साइड पे आप देख पा रहे हो एक मॉन्स्टेरा के प्लांट, इसके जो लीव्स है बेहद खूबसूरत लगते हैं देखने में। देखिए कैसे फटे फटे हुए ये लीव्स है और लीव्स जो है बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। और इसको भी मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ और ये मेरे एक 10 इंच के प्लास्टिक पॉट के अंदर लगा हुआ है। तो इसके जो रूट्स ऊपर से निकल के आ रहे हैं वो देखने में देखिए और भी खूबसूरत लगते हैं। इसके पास ही है मेरे दो स्नेक प्लांट, मतलब सेंसिवेरिया के दो वेराइटी है मेरे पास और दोनों को ही मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ। और एक छोटा सा कटिंग में लाया था तो उसी से अभी देखिए कितने सारे प्लांट्स मेरे बन चुके हैं इस पे, और इस पे भी देखिए बहुत सारे प्लांट्स बन चुके हैं। इसके पास ही है मेरे क्रोटोन के प्लांट, ब्यूटीफुल लीव्स है इसके, देखिए येलो और ग्रीन के शेड पे। इसको भी मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया था, कटिंग से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। अभी देखिए प्लांट कितने बड़े हो चुके हैं, मेरा 2 साल पुराना प्लांट है और फुल सनलाइट पे रखा हुआ है। इसके पास ही है मेरे कोलियस के कुछ प्लांट, कोलियस प्लांट भी बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कोलियस के प्लांट है जिसको मैं कटिंग से ग्रो किया हूँ। इस साइड पे भी और एक कोलियस के प्लांट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्यूटीफुल लीव्स है इसके, और इसके स्टेम ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट स्टेम है इसलिए ज्यादा वाटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ते है। आप हफ्ते में 3 बार इसको वाटरिंग करो तो भी आपके प्लांट्स अच्छे खासे ग्रो होते रहेंगे। तो इस साइड पे मेरे उसके पास ही है एक ड्रेसिना के प्लांट, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसके एक कटिंग बनाया हूँ और सिर्फ पानी के अंदर इसको ग्रो किया था, उसमें रूटिंग हुआ है जिसके वीडियो में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और इसके पास ही है मेरे चाइनीज बैम्बू के स्टिक्स, देखिए एक स्टिक में लगाया था और अभी एक से कई सारे प्लांट्स बन चुके हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं अगर आप इसको कटिंग करके एक साथ बहुत सारे प्लांट्स लगाते हो तो। और ये घर के अंदर मतलब इंडोर भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसके पास ही है मेरे एरेंथिमम के एक प्लांट, इसके लीव्स के कलर देखिए बेहद खूबसूरत है। हालांकि इसमें फ्लावरिंग होते हैं लेकिन मेरे प्लांट एक छोटे से पॉट के अंदर है इसलिए इसमें अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुआ है, छोटे छोटे से पिंक कलर के इसमें फ्लावरिंग आते हैं। हालांकि प्लांट जो है बहुत लंबा हो चुका है 5 फीट के आसपास और मेरे 2 साल पुराना प्लांट है। इसके सामने ही है मेरे पथरचिट्टा के प्लांट, देखिए कितने सुंदर से नए नए से देखिए इसमें प्लांट्स बन रहे हैं। लीव्स के एंड से ही नए नए से प्लांट बनते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे रूटिंग हुआ है यहीं से नया प्लांट्स बन जाएंगे। इसके पास है मेरे लेटेस्ट लगाया हुआ एक प्लांट, सेंसिवेरिया का ही एक वैरायटी है, छोटे से प्लांट होते हैं और एक नया प्लांट। और यहाँ पर है मेरे एलोसेसिया के 2 प्लांट, हालांकि एक ही मैं बल्ब्स लाया था और एक प्लांट से अभी बहुत सारे प्लांट बन चुका है, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इसके लीव्स, देखिए कितना सुंदर आर्टिफिशियल लगते हैं लेकिन ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। विंटर सीजन में प्लांट्स मेरे खराब हो चुके थे, उसके बाद पॉट के अंदर से अपने आप ही इस साल नए नए से प्लांट्स ग्रो हुआ है। उसके पास है मेरे
कैलेडियम के एक प्लांट, ब्यूटीफुल लीव्स है इसका भी, देखिए कितना सुंदर लगते हैं। इसका भी एक छोटा सा कटिंग में लाया था कहीं से और अभी देखिए कितने बड़े हो गया है प्लांट। और ये सब मैक्सिमम प्लांट मेरे छोटे से 6 इंच के पॉट के अंदर ही लगा हुआ है। सामने यहाँ पे लिपस्टिक एग्लोनीमा के एक प्लांट है, ये भी छोटा सा प्लांट है कटिंग के थ्रू ग्रो किया हुआ। और यहाँ पर एक प्लांट है, इसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लीव्स के कलर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइट ग्रीन। ये भी मैं कटिंग के थ्रू ही कुछ दिन पहले ग्रो किया हूँ और ये सब मेरे 4 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ है। इस साइड पे मेरे 2 स्पाइडर प्लांट, येलो और ग्रीन शेड में इसके लीव्स होते हैं, छोटे से पॉट के अंदर ग्रो हो जाते हैं, हैंग भी कर सकते हैं आप, और आप इसको बैल्कनी में रख सकते हो, इंडोर भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। इसके भी देखिए छोटे से स्टिक निकलते हैं और स्टिक से ही बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं। जैसे कि देखिए मेरे इस स्टिक पे 1, 2, 3, 4 मतलब 4 प्लांट ऑलरेडी मेरे बन चुका है। तो यहीं से अगर काट कर मैं लगाता हूँ इसको सैंड या फिर सॉइल के अंदर, तो मेरे यहीं से नए नए से प्लांट्स बन जाएंगे। और उसके पास है मेरे एक सिंगोनियम के प्लांट, पुराना प्लांट है, सेमी वाइन टाइप प्लांट है, देखिए कितने लंबे देखिए वाइन टाइप एक स्टिक निकलता है। और इसी से देखिए नए नए से प्लांट्स आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए रूटिंग हो रहा है, यहीं से अगर आप कट करके सैंड या सॉइल के अंदर लगा दो तो यहीं से आपके नए से प्लांट्स बन सकते हैं। बहुत ही लंबा हो जाता है इसलिए देखिए मैं इसको कट कर दिया हूँ अभी, और यहाँ से भी देखिए कट कर दिया हूँ, बहुत ही घना हो चुका है मेरे प्लांट अभी। और इसके पास है मेरे रियो के कुछ प्लांट, मेरे फेवरेट प्लांट है, छोटे से जगह के अंदर हो जाता है और ज्यादा खाद देने का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं इन सब प्लांट को अभी तक लास्ट 4 महीने में किसी प्रकार खाद का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। उससे पहले मैं इसको मास्टर के लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था महीने में एक बार, लेकिन उसके बाद से अभी तक मैं किसी प्रकार खाद का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बताया, मैं ऑर्नामेंट प्लांट की शौकीन नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा मैं केयर करता नहीं हूँ मेरे प्लांट को। और यहाँ पर एक प्लांट है जो है अम्ब्रेला पाम, ये भी बहुत पुराना प्लांट है, लास्ट कुछ दिन पहले मैं इसको थोड़ा सा लीव्स को प्रून किया हूँ क्योंकि ये लीव्स जो है वो खराब हो चुके थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी बहुत पुराना प्लांट है, 6 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ प्लांट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो वंडरिंग जियो के एक प्लांट, हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही घना हो गया था तो मैं लास्ट टाइम इसको थोड़ा प्रून करके अभी देखिए एकदम छोटा कर दिया हूँ। ये भी इजी टू ग्रो हो जाते हैं, कटिंग से आसानी से लग जाते हैं रूट से ही यहीं से। और इस साइड कटिंग ट्रे के अंदर कुछ ऑर्नामेंट प्लांट मेरे ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे एक मेरे कोलियस के प्लांट है, यहाँ पे और एक ऑर्नामेंट प्लांट है, हालांकि नाम इसका मुझे अभी याद नहीं है। और यहाँ पे और एक ऑर्नामेंट प्लांट की मैं कटिंग लगाया हूँ। अभी ऑर्नामेंट प्लांट को मैं कटिंग के थ्रू ही ग्रो करता हूँ, एक भी प्लांट को मैं आज तक खरीदा नहीं हूँ। इस साइड पे मेरे सिंगोनियम के और एक वेराइटी, और यहाँ पर मेरे कुछ मनी प्लांट लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब प्लांट को आप हर दिन या फिर हर अल्टरनेट डेज पे वाटरिंग कर सकते हो तो भी ये प्लांट अच्छे से आपके गार्डन पे फुल सनलाइट पे भी ग्रो होते रहेंगे। इन सब प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हो, इंडोर पे अगर आप रखते हो तो आपको हर अल्टरनेट डेज या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप वाटरिंग करोगे तो भी प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। और इसके पास देखिए और एक डिफेनबाकिया का मैं कटिंग लगाया हूँ यहाँ पर, ये भी अभी लग चुका है। और ये मेरे एक कोल के प्लांट के जो पॉट है उसके अंदर ही लगा हुआ है। तो दोस्तों, ऑर्नामेंट प्लांट कोई भी हो, आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हो और इसके लिए ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये सभी प्लांट्स, ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स कटिंग से ग्रो होते हैं और इसको आप चाहो तो सिर्फ पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हूँ, देखिए सभी प्लांट को मैं पानी के अंदर लगा के रखा हूँ और सभी प्लांट पे रूटिंग निकल चुका है। इसके ऊपर मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, अगर आप चाहते देखने तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था
छोटी सी जानकारी ऑर्नामेंट प्लांट के बारे में, ज़्यादा तो केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप बस कटिंग लाइए और लगा दीजिए तो आपके प्लांट अच्छे खासे कुछ दिनों के अंदर ही रूटिंग निकल जाएंगे प्लांट से, और आप प्लांट रिपोर्ट करके एक छोटे से पॉट के अंदर, घर के अंदर या फिर बैल्कोनी पे भी लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।